नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेटपुर में। हम लोग झारखंड सचिवालय के लिए खोटा पढ़ रहे थे और आज लोग छठा कहानी पढ़ेंगे जो छाहिर पुस्तक की है। और कहानी का नाम क्या है? समय कटवा ताश खेला। समय कटवा ताश खेला। तो यहाँ पे इसके पहले पांच कहानी हम लोग पढ़ भी लिए, उसका क्वेश्चन आंसर भी हो चुका है। तो देखिए क्या है, समय कटवा ताश खेला, इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, एक पाठ और आएगा, उसके बाद इसका भी लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कहता है कि बड़े गो गांव कर ये गो टोला रहे छोट बकरी। समझिएगा कि बहुत बड़ा गांव था, ठीक है। बड़े गो गांव कर मतलब बड़ा सा गांव में एक टोला रहे छोट बकरी। ये बकरी मतलब टोला ही होता है, ठीक है। छोट बकरी, बड़ बकरी, समझे ना। तो बकरी मतलब क्या होता है, टोला होता है। तो छोट बकरी मतलब कोची भेल, जहाँ पे आदमी कम रहता है, ठीक है। जैसने तैसने आदमियों परिवारों 10-15 गोले बेसी ना रहे। बहुत मुश्किल से 10-15 परिवार रहता था। तो अलग अलग बकरी में कम अधिक परिवार रहता है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा गांव था और गांव के छोट बकरी में, जब कॉन्सेप्ट याद रखिएगा तो कहानी बनाने में मतलब ये क्वेश्चन बनाने में अच्छा लगेगा। गांव के छोट बकरी में मतलब 10-15 परिवार रहता था, बहुत मुश्किल से, ज़्यादा आदमी वहाँ पर नहीं रहता था। अब 10-15 परिवार में कितना आदमी होगा, बहुत कम आदमी होगा। बड़ गाँव में छोटे टोला मतलब बड़ गांव में छोट बकरी, छोट बकरी मतलब क्या, बहुत बड़ा गांव है और अलग अलग टोला होगा। तो बड़ गांव में छोट बकरी मगूर, मगूर का मतलब क्या, मगूर का मतलब लेकिन, लेकिन गोटे गांव से तेज रहे, गोटे गांव से तेज रहे, गोटे गांव से तेज रहे। कहने का मतलब जो बहुत बड़ा गांव था उसमें अलग अलग बकरी था, अलग अलग टोला था। तो उसी गांव का जो छोट बकरी था, जहाँ पे अलग मतलब 10-15 घर था, ठीक है, वो बकरी जो है हमेशा चर्चित रहता था। हम लोगों का भी गांव में नीचे टोला जो है बहुत चर्चित रहता है। तो आप मतलब अपना अपना गांव में देखिएगा कि कोई टोला जो होता है ना, किसी वजह से, अब वो कुछ अच्छा गुण की वजह से हो सकता है, कुछ अवगुण की वजह से हो सकता है। मान लीजिए कोई टोला में सब आदमी चोरे हैं या तो सब आदमी प्रियंकर है, तो वो टोला तो ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। या तो कोई टोला से सब आदमी नौकरी वाला है ना। तीसरा से यहाँ पे कह रहा है कि गांव तो बहुत बड़ा, लेकिन जो टोला है, जो बकरी है, वो कोची है, बड़ी छोट है। आ छोट है मगर सब गांव मतलब गांव से तेज रहे, पूरा गांव में जितना टोला है उनमें सबसे ज़्यादा तेज रहे छोट बकरी। याद रखिए छोट बकरी। कहता है खेतियों में तेज, कारोबारों में तेज, हर चीज़ें में तेज, है ना। खेतियों में तेज मतलब खेती बाड़ी करने में तेज, कारोबारों में तेज, बिजनेस में भी करने में तेज, और पढ़ो लिखो में तेज, और नौकरियों चाकरियों में तेज, पढ़ने लिखने में भी तेज। और सबसे ज़्यादा अगर नौकरी उस गांव में किसी टोला से था तो वही छोट बकरी से था। मतलब कहने का मतलब छोट बकरी परिपूर्ण था, हर प्रकार से तो बहुत बढ़िया था, ठीक है। इसके बाद कहता है गोटे गाँव के लोग ई बकरी कर गुण गावलथिन, जहाँ तहाँ पैठतर दिलथिन। पैठतर दिलथिन मतलब समझते हैं, पैठतर मतलब होता है उदाहरण, खोठावड़ है, पैठतर मतलब उदाहरण। तो पूरा गांव के लोग उस बकरी का गुण गाते थे, पूरा गांव के लोग उस बकरी का, उस टोला का, छोट बकरी का गुण गाते थे। और जब कभी भी उधर जरूरत पड़ता था तो कहता, टोला का एग्जांपल नहीं आ जाता है, जैसे आप बहुत अच्छे हैं और जब 10 आदमी गप करे तो कहीं चर्चा था तो फिर आपका नाम लेता, बोलो वो कितना अच्छे है। तो टोला है चाहे व्यक्ति है, उसको लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जब भी मतलब चर्चा होता था तो आदमी क्या करते, इस गाँव का उदाहरण मतलब इस टोला का उदाहरण लेते थे। कहते जहाँ तहाँ पैठ तर दिलथिन, टोला है तो छोट बकरी, मतलब टोला है तो छोट बकरी गांव में, सब आदमी वहाँ तेज है, खेतियों करे में तेज है, कारोबारों करे में तेज है, पढ़ो लिखे में तेज है, और वहाँ का आदमी नौकरी चाकरियों में सब आगे है। तो टोला अगर कौन है तो कौन बकरी, छोट बकरी है। एक बात है कि छोट बकरी एकले एक विद्वान, एकले एक किसान, एकले एक कारीगर है, और एकले एक नौकरी वाला। मतलब उस छोट बकरी में एक से एक विद्वान है, एक से एक कारीगर है, एक से किसान भी है, और एक से एक नौकरी वाला है। है तो छोट बकरी है तो वहाँ 10-15 घर, लेकिन हर चीज़ में आगे है, पढ़ाई लिखाई, कारोबार, किसाने काम, हर चीज़ में आगे है। एकर माने छोट बकरी बुद्धि ज्ञान से लेके खेती बाड़ी व्यापार शोभे में
गांव भर में यागुर है, मतलब कहने का मतलब हर प्रकार से, जैसे हम लोग कहते हैं ना अगर आप हर विषय का तीर होते ऑलराउंडर, तो छोटा बकरी जो है सो हर प्रकार से ज्ञान से लेकर व्यापार तक, ठीक है खेती व्यापार तक हर प्रकार से छोट बकरी जी की रहे, मतलब पूरा गांव में टोला जी है छोट बकरी जी है सबसे आगे रहे। ठीक है तो बहुत अच्छा से आपने पहला पैराग्राफ आपने क्या मतलब जो है समझा, क्या समझा कि छोट बकरी है और वहाँ हर लोग तेज है, जनसंख्या वहाँ का कम है लेकिन हर प्रकार से पूरा गांव में वो चर्चित है, लोग उसको पैटर देते हैं, एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं। आगे देखते हैं, कहता है विधि कर विधान, विधि कर विधान लागे कि जहाँ गुण जितना बेसी रहे वहाँ उतने अवगुण रहे। ये विधि का विधान है, ऐसा कहा जाता है, आप सुने होंगे कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ डिमेरिट जरूर होता है, लाख अच्छाइयाँ होती है लेकिन कोई ना कोई बुराइयाँ किसी में किसी रहता है, हर किसी के पास किसी मतलब किसी को ज़्यादा सोने का है समस्या, मतलब कहने का मतलब अवगुण हर किसी में रहता है। तो यहाँ भी कहता है कि विधि कर विधान ला गए, सृष्टि के नियम ला गए, कि नियम ला गए कि जहाँ गुण जितना बेसी रहे वहाँ उतने अवगुण भी रहे, जहाँ गुण जितना रहता है वहाँ अवगुण भी रहे, मतलब प्लस जहाँ वहाँ माइनस भी, एक तरह से एक पोख इंजरिया तो एक पोख अंधरिया रहवे करे। कहने का मतलब है जब वहाँ गुण है तो अवगुण भी है, इंजरिया है तो अंधरिया भी है, समझे ना। छोट बखरियों में ये गो दू गो ऐसनो आदमी रहे रहत जे बड़ बड़ गुण राखता बदनाम रहत। छोट बकरी में एक दो आदमी ऐसा है, देखिएगा किसके बारे में बोलेगा। इस स्टोरी में हम लोग तीन कैरेक्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ए बी सी, ए बी सी का फुल फॉर्म बताएंगे, आप बने रहिए। ठीक है तो कहता है क्या कि छोट बकरिया में एक दो गो, छोट बकरी जिसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, छोट बकरिया में एक दो गो ऐसनो आदमी रहत, मतलब ऐसा भी आदमी है जे बड़ बड़ गुण रखता हो, बड़ा बड़ा गुण सब लोग उसका नाम जानते हैं, हाँ जानकार आदमी है, तेज है, समझे ना, लेकिन बदनाम रहत, लेकिन कुछ अवगुण है उसमें जिसके कारण वो क्या है बदनाम है। कए गो तो यखंड बड़ अखंड दारपियो रहत, अखंड मतलब क्या जानते हैं बहुत ज़्यादा दारू पीने वाला, अखंड दारपियो रहत कए गो अखंड, जब अखंड नहीं होगा अखड़ होता है, ठीक है जुआड़ियो रहत, मतलब पूरा जुआ खेलने वाला, ये समझे ना पूरा जुआ खेलने वाला मगर, लेकिन याद रखिएगा ऐसा ना है कि पिए के चलते खेत बाड़ी बेचो के या फिर जुआ के चलते घर के चीज वस्तु चुरावा है। एक मतलब क्या है कि उतना छोट बकरी में, मतलब अभी आपने क्या देखा कि जहाँ गुण है वहाँ अवगुण भी है, और उस तरह कह रहा है कि कितना आदमी तो एकदम प्योर जुआड़ी है, प्योर पियंकर है, लेकिन मगुर मतलब फिर भी वो जुआ खेलने के कारण या फिर पीने के कारण घर का सामान नहीं बेचता है, घर का जो मतलब अपना जो जगह जमीन है जायदाद है उसको नहीं बेचता है, क्योंकि अक्सर आप देखे होंगे जो पियंकर लोग होता है जो जुआड़ी होता है कब क्या बेच देगा, कब बाइक बेच देगा, कब घर बेच देगा, कब जमीन बेच देगा, भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ कहानी बताया है कि छोट बकरी में दो चार गुजे है, पिए वाला भी है, जुआड़ी है, लेकिन इतना भी ना है कि वो घर के जमीन मतलब जमीन जायदाद और घर के सामान चुराते और बेचते। आयसन अखड़िया सब हफ्ता चार दिन काम मजौरा करतल, वही सब है जो हमेशा पीता खाता था जुआ खेलता था, वो सब बड़ा मुश्किल से दो चार दिन काम करता मजरा करता। मजरा का मतलब क्या होता है, मजदूरी। अगर तीन दिन चार दिन मजदूरी करता लोन तो फिर दो तीन पिए खाए और जुआ खेले में बिता लून। ठीक है कहने का मतलब क्या है कि अगर चार दिन काम करता है तो फिर तीन चार दिन पीने में और जुआ खेलने में व्यस्त हो जाता है। ऐसे ऐसे कुछ लोग वहाँ पर है जो गांव बहुत चर्चित, जो गांव का टोला जिसका नाम है छोट बकरी जो हर प्रकार से आगे है, उसमें कुछ लोग ऐसा है, वो तो रहेगा ही रहेगा। हम लोग कहते हैं कि धान में खखरी हमेशा रहता है, तो कुछ ना कुछ तो अवगुण वाला व्यक्ति रहेगा ही रहेगा। आगे कहता है घर कर और यह बाहरे के जे काम उदम करतला वो आमदनी घरे कोनो कामे नी आवतलक। कहने का मतलब है घर के काम के अलावा जो बाहर में काम करता, लेबर का काम करे चाहे मजदूरी एक चीज़ हुआ जो काम करे, वो पैसा कहीं काम नहीं आता था। घर का काम किया तो ठीक है, इसके बाद घर के बाहर अगर कहीं काम करता था तो रास्ते में वही दारू मौत और दिन भर जुआ, पैसा कहीं काम नहीं आता था जो काम करता था। दो चार वो व्यक्ति ये स्नो है, कहाँ है छोट बकरी में है। एक बात है कि है
उ पिए ले खाए ले अर्जुआ में जैतले, जे बाहर में मजूरा करतले उ पिए ले खाए ले अर्जुआ में सब उड़ा जतले। मध्यम वर्गीय परिवारे ई गुण बेसी देखल जा है। अच्छा मध्यम वर्गीय समझे, हिंदी वर्ड है, खोटा वर्ड नहीं है, ठीक है। हाँ आपको खोटा वर्ड है, इसका खोटा वर्ड में कहता है बीच बीच परिवार है। बीच बीच परिवार है मतलब मध्यम वर्गीय परिवार है, समझे, मिडिल क्लास के लोग। तो कहता है ये जो दिन भर कमाना और शाम को चाहे दिन में जब भी जुआ खेलना शराब पीना, ये अक्सर किस कैटेगरी में होता है, जो लोग मध्यम कैटेगरी में होता है, जो परिवार मध्यम कैटेगरी का होता है उसी में। तो मध्यम वर्गीय परिवारें ये गुण बेसी देखल जाए हल। लाभ हानि वैसने बीच बीच ओला परिवार होवे है। बीच मतलब क्या, मध्यम परिवार, क्या कि जो बहुत गरीब रहेगा वो तो कमा के अपना जीवन यापन नहीं ढंग से कर पाएगा, तो जुआ शराब में क्या रहेगा। और जो बहुत ही अमीर रहेगा तो समझदार रहेगा। तो जो मीडियम क्लास के लोग होते हैं ना, वही सब ये जुआ शराब में क्या रहते, इस तरह से बिगड़े हुए रहते हैं और अपना नुकसान लगाते हैं। तो पहला पैराग्राफ में आपने क्या देखा, छोट बकरी के खूब तारीफ भेल। और सेकेंड पैराग्राफ में आपने क्या देखा कि छोट बकरी में गुण के अलावा कुछ अवगुण है, कि वहाँ के लोग मतलब शराब वराब पीते हैं और कुछ जुआ भी खेलते हैं, ठीक है, ये भी याद है। लेकिन इतना भी जो जुआ नहीं खेलते कि घर का मतलब घर का जमीन जायदाद बेच दे या फिर घर का सामान चुरा ले, इतना भी नहीं है। तो दो पैराग्राफ आपने पढ़ा, आगे देखिए। कहता है वैसे तो गाँवें जहाँ तहाँ पहले बनिया व्यापारी घरक बूढ़ा अधबूढ़ा जैसे बैठ के ताश खेलवे करे हलय। पहले के ज़माने में क्या होता था, यहाँ देखिए अब आया है ताश, वैसे जुआ तो आ ही गया था। यहाँ कौन सा ताश का है, देखिए ताश भी दो प्रकार से होता है, एक होता है जुआ खेलना, ताश मतलब जुआ पैसा रखना, समझे ना, और एक ताश होता है जो घर में घर के बगल में लोग खेलते हैं, दादा हैं या फिर पिताजी हैं चाचा लोग हैं, वो सब खेलते हैं और टाइम पास करते हैं, मनोरंजन करते हैं। तो आप वीडियो बने रहिएगा, आपको पता चलेगा कि क्या है, समय कटवा ताश खेला, मतलब यहाँ पर मनोरंजन वाला होगा शायद। देखिए कहता वैसे तो गाँव में जहाँ तहाँ पहले बनिया व्यापारी घर के बूढ़ा यद बूढ़ा बैठ के ताश खेले करे हलय। पहले के दौरान क्या होता था, सब नहीं, बनिया व्यापारी जो तनिक खास खास लोग होता था, जो बूढ़ा हो गया है या तो बूढ़ होने चलल है, मतलब अद बूढ़ा है, समझे ना, तो वो सब बैठ के टाइम पास करने के लिए ताश खेलता था। हम भी देखे जैसे कि एक बार दिल्ली गए थे हम, तो दिल्ली में एक जगह जहाँ पे रहते थे वहाँ पे चार लोग रहते थे, बड़ा एज मतलब ओल्ड एज के थे, और वो सब शाम होता था और ताश में लग जाते थे, तो वो टाइम पास थे, जुआ नहीं थे। और चारों के चारों क्या थे, शिक्षित थे, लॉयर थे, लॉयर थे, लेकिन वो समय व्यतीत करने के लिए हमको लगता है शायद उसका उम्र हो चुका होगा, वहाँ से रिटायर हो चुका होगा, तो वहाँ से खेलते थे। तो लोग मनोरंजन के लिए भी ताश खेलते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है स्टोरी में देखिए, कहता है आपने देख लिया कि पहले क्या होता था, बनिया व्यापारी के बूढ़ा जो लोग होता था वो सब खेलता था मगर, लेकिन एक दो दशक ले मतलब आजकल जो एक दो दशक से मतलब 15-20 साल से, दशक मतलब 10 साल होता है, तो एक दो दशक ले मतलब से, तो 15-20 साल से हाल फिलहाल की बात कर रहे हैं, नौजवान छोकड़ा, छोकड़ा मतलब क्या, लड़का, ठीक है, नौजवान छोकड़ा गाँवे जहाँ तहाँ ताश खेलत रहते है। आप लोग अभी देख रहे होंगे दिवाली का सीजन आने वाला है, दुर्गा पूजा पार हो गया है, अभी से ही आपके गांव में देखिएगा अगल बगल में क्या जो ताश जुआ का नशा लग गया है उसको, अभी से ही जुआ में मतलब पागल है, ठीक है। तो यह क्या कहता है कि आजकल 15-20 साल से ऐसा हो रहा है कि बूढ़ा लोग ताश नहीं खेल रहे हैं, वो तो खेलिए रहे, ठीक है, नौजवान जो छोकरा है वो सब भी ताश खेलते रहे दिन भर, पता ना जुआ के रूप में ताश खेले है कि मनोरंजन रूप में, देख लें तब ने ठीक ठीक कहल जा पारी। इसमें कहता है कि वो जो आजकल जो छोकड़ा सब जो ताश खेलता है तो कौन सा रुपये खेला है, जुआ वास्ते मतलब पैसा वाला खेला है कि मनोरंजन करे लिए खेला है, ठीक है। तो कहल जा पारित होगी आपका। इसके बाद कहता है कम युवक छुआ नौजवान आदमी यदि ताश खेले बैठतल है तो फिर वहाँ सब, कहने का मतलब है कि अगर बड़े बुजुर्ग खेलते तो वहाँ जो छोटा लोग होता है ना, बच्चा लोग, उतना भी बच्चा मत लीजिए 18-20 साल का, वो भी वही क्या करता है, देखता, और इस तरह से देखने का भी उसको एक लत लग जाता। तो याद है, देखिए आगे देखिए, कहता छुआ चाहे बड़ ककरो ककरो ताश खेले चस्का लागी जाए, ठीक है। ये चस्का जानता है, चस्का मतलब क्या होता है, चस्का चाय पिए, चुस्की, चाय में चस्का है, और चाय में क्या होता है, चुस्की होता है। तो जब किसी को चाय पीने का आदत पकड़ लेता है चुस्की लेने के बाद, जैसे कि एक आपको एग्जांपल देते हैं,
हम और हमारा दोस्त एक एग्ज़ाम देने जा रहे थे, ठीक है, बहुत पहले की बात है। तो एक उसको चाय पीने की बहुत ज़्यादा आदत था, ठीक है। जैसे ही ट्रेन में सुने होंगे राम प्यारी, जैसे ही चाय आया तो वो कितना कंजूस था, हमारा वीडियो देखेगा तो हमको बोलेगा भी, वो इतना कंजूस दोस्त था, चाय वाला को देख के बोलता है कि मेरा माथा दर्द कर रहा है। एक लाइन में नहीं बोल रहा है कि चाय पियेंगे सो, तो हम बोले कि चाय पीजिएगा, कि बोला हाँ लो ना, मतलब क्लियर नहीं बोला। तो चाय का उसको आदत था, चाय का चस्का लेना या चूस लिया, चस्का नहीं चूस लेना, तो आदत क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या फ़ायदा है, आपका कैफीन है, ठीक है, कॉफ़ी में कैफीन है, फिर आपका चाय में टेनिन है, तो ये चाय में टेनिन, कॉफ़ी में कैफीन, तो ये सब जो है ना एक नशीला पदार्थ है जो आदत लग जाता है शरीर को लेने का आदत होता है, फिर जब वो नहीं मिलेगा तो अजीब गरीब प्रकार का फीलिंग होता है। तो यहाँ की उसी प्रकार से कोई ज़रूरी नहीं, ताश उससे भी खतरनाक है, ताश जो है ना शराब से भी खतरनाक है। शराब पीजिएगा तो नशा तब तक रहेगा जब तक आपका वो पेट में है, जब तक आपके कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाया है, ठीक है, लेकिन ताश क्या, उसका नशा अगर लग गया तो ज़िंदगी भी ख़त्म नहीं होता है, इतना ख़राब चीज़ है ये ताश। देखिएगा तो कहता है ककरो ककरो ताश खेले चस्का लागी जाए, ठीक है, कोई कोई तो समय बीतवे खातिर फुर्सत घड़ी ताश मनोरंजन खातिर खेले हत, मन बहलावे खातिर खेले हत। तो कुछ लोग फुर्सत में क्या करते हैं, मन बहलाने के लिए, मनोरंजन के लिए ताश खेलते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, ताश एगो नशा ला गए, बिल्कुल सही है, ताश की ला गए तो एगो नशा ला गए। बावन पति कर बावन परी रहल था, और बावन रकम के नाच देखवैया सेले, बावनों तरह के आदमी जो दी एकरा छुए पारलो कोनो लखे, खेल खेल में मतलब मजाक मजाक में हिसकाए गेले, तो ई ताश नचनिक नाच देखे ले खेल में बराबरे लोभायत रहत, ऐसने बावन परी के नाच लागे। हम आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ दिए, एक एक मीनिंग समझाएंगे, एक एक मीनिंग खोरठा में, देखिएगा क्या कहता है, समझिए। कहता है ताश एगो नशा लागे, ये तो तोहिन सब भी जाने हैं और हम भी जानते हैं कि ताश की लागे एक नशा लागे। बावन पति कर बावन परी जानते वही सब जो ठिकरी बेगम बासा ये सब होता है ना, उसी को बावन मतलब बावन अलग अलग होता है ना सब, तो बावन परी कह रहा है, याद रखिएगा बावन पत्ता होता है, तो बावन पति के बावन परी रहत और बावन रकम के नाच देखावत है, जो खेलता वही जानता होगा, ठीक है। सेले बावनों तरह के आदमी जो दी एकरा छुए पार ले कौनो लखें, कोई भी व्यक्ति ताश को किसी भी माध्यम से छू लिया, कहने का मतलब आदत धीरे खेल खेल में एक दो बार खेल लिया तो धीरे 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 उसको क्या हो जाता है, नशा लगने लगता है। तो वही कहले के है खेल खेल में, याद रखिएगा खोरठा के यहाँ हिंदी हम लिख दिए खेल खेल में, और खेल खेल में मतलब क्या हो गया, मजाक में, मजाकों में अगर एक दो दिन खेल जाए ना तो फिर नशा लागे लागी है, ठीक है। और कोई भी चीज़ एक दो बार करने से क्या होता है कि उसका नशा ख़त्म नहीं हो जाता है और बढ़ने लगता है। एक बार सिगरेट पीने से उसका नशा ख़त्म नहीं होगा और पीने का मन करता है, जैसे खुजलाने से खुजली ख़त्म नहीं होता और खुजलाने का मन करता है। तो वही कहता है खेल खेल में एक दो बार अगर कोई खेलियो ले है तो धीरे धीरे नशा लग जाए। एकर बाद ये बराबरे लोभायत रहत, मतलब कि भेल कि अगल बगल के जो लोग वहाँ देखे हैं ताश खेले जाएगा वो सब भी धीरे धीरे मतलब ये ताश खेलने का पकड़ लेता। तो ऐसने बावन परी के, ये परी मतलब बावन पत्ता था, नाच ला गए, ताश की ला गए, बावन परी की ना मतलब एक नाच ला गए। तो यहाँ तक हम लोग देखिए, अब आगे देखिए। टोला में 5-6 मास्टरो रहत है, अब यहाँ पे आएगा रियल स्टोरी। यहाँ पे स्टोरी जो है समय कटवा ताश खेला, इसमें क्या है, एक मास्टर जी है, एक मास्टर जी नहीं, अभी आपको 6 मास्टर जी देखे और मास्टरेस अभिन जो है से ताश खेले है और ओकरे में कहानी जो है से लिखल गेल है। तो देखल जाए कि अभी आगे, टोला में 5-6 मास्टरों रहत है, 3-4 मास्टरों रहत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 लिखे हैं, 5-6 लिखे फिर 3-4 लिखे, तो सब नहीं खेलता, 3-4 खेलता। मांझे मांझे 1-2 छोड़ी के नी तो पराय सौ मास्टर, नी तो पराय मतलब उजली इंग्लिश में अक्सर बोलते हैं, क्या कहते हैं, मांझे मांझे 1-2 छोड़ी के, अब 5-6 मास्टर है ना, तो 1-2 छोड़ी के, ठीक है, नहीं तो प्राय सौ मास्टर शनिचर और एतवार, आपको पता है ना, सो मास्टर साहब की जो छुट्टी हो गई है, शनिचर के जल्दी छुट्टी हो जाए तो सांझ के फुल टाइम मिले हैं और एतवार के तो पूरा दिन भर टाइम मिले हैं, तो की करता है वो सब,
ठीक है, तो यही कहल जाए कि रे शनिचर आर एतवार, मतलब शनिवार सैटरडे और संडे, शनिचर एतवार के 2-3 बजे ले मन बहलावे और समय काटे ले, मन को बहलाने के लिए और समय को काटने के लिए। कभी कभी आप पेपर में पढ़ते हैं, टीचर लोग या स्कूल में ताश लगा देता है टाइम पास करने के लिए, जहाँ पढ़ाना चाहिए वहाँ भी ताश खेलने लगता है, अजीबो गरीब न्यूज में आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा था, मन बहलावे ले और समय काटे ले 52 परी, कौन परी, 52 परी। ठीक है, तो 52 परी के नाची लागे जातला है, जैसे वो 3-4 गो मास्टर, जो 3 गो याद रखिएगा, 3 गो जब तीनों मास्टर जब जमा होता है शनिचर एतवार दिन के, तब फिर 52 परी के नाच लगित है, 52 परी के नाच लगित है, मतलब कि बैतल ताश खेलते है। लेकिन ध्यान रखब, ये खेल खेले है से केवल मनोरंजन के लिए खेले करे है और मन बहलावे ले खेले करे। तो यहाँ की लिखल है, समय कटवा ताश खेल, मास्टर सब जुआ ले ना खेला है, ओकर में पैसा ना रखे हथिन। कहता है प्राय 4 जान मिली के मनोरंजन ताश खेलत है, 4 जन मिली के। वैसे भी ताश जो होता है जितने पता नहीं उतना तो हमको नहीं आता, फिर भी हमारे घर के जस्ट बगल में खुद मेरे चाचा लोग भी खेलते हैं, देखते हैं, तो 4 ही लोग होते हैं। मैं तो बहुत बार वहाँ पे खड़ा रहा, लेकिन 4-4 पत्ती देता है, फिर 4-4 8 हो जाता है डबल, मैं समझ ही नहीं पाया कि कैसे कैसे क्या करते हैं, सो पत्ता सब पहुँचाते, लेकिन वो खेल कैसा होता नहीं समझ पाया। तो यहाँ क्या कहता है, खेलने के लिए 4 जरूरी है, हालांकि बहुत सारा ऐसा खेल होता है जिससे 4 जरूरी नहीं है, कुछ कुछ खेल ऐसा है। तो कहता है प्रायः मतलब 4 व्यक्ति का खेल अक्सर ताश में होता है, तो 4 जैन मिली के मतलब व्यक्ति मिल के मनोरंजन ताश खेलत मगुर, ये मास्टर सब 3 गो जुटले खेलतला। ये 3 गो मास्टर का स्टोरी है जिसका नाम है ABC। हम बता ही देते हैं ABC का मतलब क्या होता है, ये से आनंद कुमार, याद रखिएगा स्टोरी में, ये से आनंद कुमार और बी से जो है बाल कृष्ण साव, याद रखिएगा बाल कृष्ण साव, और सी से जो है वो है चिन्मय मुखर्जी। तो 3 गो मास्टर ये तो ना ज़्यादा, मतलब सबके तो पहली बार टाइम ना मिले है, शनिचर एतवार के टाइम मिले है, तो की करे हथिन, तो एक आदमी यार चाहिए ताकि 4 गो बढ़िया से खेल सके, और एक गलती से अगर एक आदमी को नहीं मिले तो 3 गो ताश खेले दे शुरू कर दे थी, ताकि 3 गो मास्टर है, 3 गो मास्टर याद रखिएगा, 3ों का नाम है ABC, ए से आनंद कुमार, बी से बालकृष्ण साव और सी से आपका चिन्मय मुखर्जी। आगे देखो, 3ों ताश खेले बैठतल है तो मुँह अंधरा तक, एक स्टोरी में आपको बता दिए थे, तो वही है मुँह अंधरा तक, अगर 3ों ताश खेले अगर एक बार बैठतला है तो मुँह अंधरा तक, मुँह अंधरा मतलब क्या, पूरा सांझ, सांझ महेश्वर लावन महेश्वर का कहानी में बताए थे आप लोगों को, मुँह अंधरा मतलब सांझ पूरा हो गया, शाम अंधेरा हो गया, पूरा अंधेरा नहीं लेकिन हल्का हल्का अंधेरा हो गया, ठीक है, पता नहीं चलेगा कि सामने आ रहा है कि आ रही है, इतना अंधेरा हो जाता, तो मुँह अंधरा तक खेलते रहता, जब एक बार बैठता था तो शाम तक खेलते रहता, कौन, 3ों मास्टर ABC, ठीक है, आनंद कुमार, बालकृष्ण साव और चिन्मय मुखर्जी। आगे देखा, यकीन एक दूसर के ढोढ़ा करे के उपाय करतला, मतलब एक दूसरे के साथ टाइम पास करने का उपाय करतला। चिन्मय सब ले बड़ रहे, ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा सा, 3ों में से चिन्मय जो है थोड़ा सा ज़्यादा उम्र के थे, ज़्यादा बड़ थे, और 3ों मास्टर ला गए और की करे है ताश खेले है। आगे देखब की होते, तो चिन्मय सब ले बढ़ रहे और ये आनंद और बालकृष्णन जोड़ा धागरी रह, मतलब ये के एज के रहने वाले साथ में, मतलब ये के एज का एकदम जोड़ा मतलब क्या, पार्टनरशिप की तरह, मतलब संग साथी एकदम पूरा, और चिन्मय थोड़ा सा उस उम्र में बढ़ रहे। लेकिन जखन खेले बैठतला, 3ों जखन खेले बैठतला तखन यारो घर कोनो चिंता ना, मतलब घर के काम करे कोनो चिंता ना, बड़ा खतरनाक नशा है तस का, कोनो चिंता ना, कोनो घटबंदी सामान दुकानों ले तखन आने के नी जीतल, अगर घर में कुछ सामान घट गया है और घर के सामने 3ों ताश खेल रहा है, उसका बच्चा है चाहे उसका पत्नी अगर बोल रही है कि ये जी सामान नहीं है ला दीजिए, मजाल है कि वो सब ताश खेल के उठ जीते, तो ये सब नशा ला गए ताश ला गए। हाँ, लेकिन यहाँ की कहे है, कोनो साधारण काम खातिर खेले ले नी छोड़तल, अगर खेलते खेलते घर में कोई मेहमान ही आ जाए या और कुछ काम है, अरे सब ताश खेल रहे बगल दुआरी में बैठ के कहीं पर, घर से आदमी बुला रहा है, बच्चा बुला रहा है,
मजा ले कि वहाँ से तब उठेगा, इतना नशा है कोची के दास के। फिर कहता है हाँ कोनो बड़ काम रहे कोनो जरूरी काम रहले तास खेल के छोड़ के जात। मतलब कहे मतलब की है खोरठा कहानी में एक गो कहानी ऐसा ना है जकर से तोहिन अपरिचित हब। साफ जे है से मतलब लगभग लगभग देखल जाए है हमार समाज है। अभी तास खेलल जे है जे लोग गांव के है वो तो साफ देखे है टोटल चीज़ की कैसन कैसन हवे है तास में। ठीक है हम इन खुदे खड़ा रह लिए जब गांव में रह लिए तब। आगे देखो टीचर है के तास खेले के शिकायत जोरी ढंगरी से लय के बड़ो छोटो गाँव में आदमी बोले लागल थी। पूरा गांव में जो है सो ये बात फैल गया पूरा गांव में। ठीक है कि टीचर है के ताश खेले है, जब टीचरे ताश खेलता है टीचरे ताश खेलता है तो और सब की करता है। ये शिकायत जो है सो पूरा गांव फैलने लगा। हमें भी मतलब हमको याद है आज से बहुत साल पहले हम भी दिवाली में एक दिन जुआ खेलते थे पूरा गांव, हम नहीं पूरा गांव खेलता। मेरा घर के सामने एकदम झुंड लगता था ग्रुप लोग 10-15 लग जाता था, मैं भी वहाँ खेल रहा था और उस समय मेरा ऑफलाइन बैच बहुत ज़्यादा चलता था, आज भी मेरा ऑफलाइन बैच बहुत ज़्यादा चलता है। तो बड़ा मेरे साथ एक ऐसा अप्रिय घटना घटा कि मैं उस दिन से मैं तो कभी खेलता ही नहीं पहली बात, थोड़ा बहुत आता मतलब उतना आता नहीं, थोड़ा बहुत आता तो दिवाली के दिन, पता नहीं दिवाली के दिन क्या होता है हर लोग खेलते लेडीज लोग भी खेलती घर में माँ बहन भी वो सब भी खेलती है, बट एज ये आप क्या कर सकते हैं इंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए, लेकिन पैसा तो रखता है। ठीक है तो हुआ क्या एक लड़की थी अब उसका पिताजी भी उसमें खेल रहे थे। आज जितने लोग हम लोग खेल रहे थे दिवाली के दिन लगभग लगभग आधा से ज़्यादा गार्जियन ही था, लेकिन उस दिन कोई किसी को बोलता नहीं था तो हम भी खेल रहे थे। अब एक लड़की मेरे पास 12th में पढ़ रही थी उसके पिताजी साथ में खेल रहे थे तो मैं ताश पकड़ नहीं पाया। उसका पिताजी एकदम बमक नहीं होता गुस्सा के भूत हो गए कि मास्टर जुआ खेलेगा तो बच्चा सब की करेगा। बात तो सही बोला लेकिन हम तो दिवाली सोच के खेल रहे थे। फिर हमने ताश रख दिया, फिर और भी लोग थे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं आज खेल सकते हैं, फिर हमने ताश पकड़ा लेकिन वो लड़की का जो पिता थी मजा लेके शांत होगा एकदम पूरा भूत हो गया गुस्सा के मारे, हमने ताश रख दिया कान पकड़ लिया कि जीवन में ताश नहीं खेलना है। तो कुछ कुछ आदमी का जो कैरेक्टर पर डिपेंड करता है कि आप अगर वो कीजिएगा तो बच्चा भी फॉलो करता है, तो टीचर को ये सब नहीं करना चाहिए यहाँ पे। तो ये गांव में क्या हुआ जब ये तीन गोये भी सी जब ये तीनों मास्टर सब जुआ नहीं कहिए टाइम पास के लिए खेलते थे मनोरंजन के खेलते, लेकिन जो भी है ताश तो खेलते थे, बच्चा भी नहीं बोलेगा कि वो पैसा वाला है कि मनोरंजन वाला है। तो वही गांव में अगल बगल पूरा टोला चर्चा होवे लागल कि होवे लागल कि टीचर होके ताश खेलता है तो और सब की करता है, ये शिकायत होने लगा। ठीक है देखिए मगुर थेथर समझते हैं पतित, कोई कुछ बोले सबके खेलना है समझे ना। कहता मगुर थेथर लेके जवाब देलथिन फालतू समय के हामिन सदुपयोग कर रही है। अपने आप को पॉजिटिव वे में दिखा रहा है कि ताश खेल के हम लोग कोई गलत नहीं कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव वे में ले रहा है एकदम थेथर नियर की बोलता है कि देखिए फालतू समय के हामिन सदुपयोग करे लागा ली। हम लोग के पास जो फालतू समय शनिचर के बचता है या जो एतवार को बचता है उसको क्या करते हैं उस समय का मतलब सदुपयोग करते हैं मनोरंजन के लिए करते हैं। ठीक है आगे देखिए यापन मनोरंजन करे लागल ही ये खन कर राजनीतिक छल प्रपंच से दूर रहा ही। और हमने कहते हैं हामिन अगर मनोरंजन कर रही तो राजनीतिक मैटर से दूर रहा ही, ककरो सर शिकायत ना कर रही। और सिंपल सी बात है जो लोग जब ताश नहीं खेलेगा तो एक पास जब जमा होगा तो सिंपल सी बात है कभी राजनीतिक चर्चा होगा कभी राम मंदिर का चर्चा होगा तो कभी मस्जिद का ये चर्चा होगा, मतलब जो चर्चित मुद्दा होता है उसी पर गाँव घर में क्या होता है चर्चा चलता है। तो कहता है हामिन कोनो राजनीतिक चर्चा ना कर रही ठीक है अपन टाइम पास करें। एक बात है कहते काम ने रहें हिंदे होंदे जाए के बैठ के गप सड़ाका तो ना कर रही, मतलब टीचर लोग अपना तारीफ भी कर रहे हैं कि काम नहीं रहता है तो इधर उधर जाके कोई गप सड़ाका नहीं करते हैं और साथ में एकर वोकर ऊंच नीच काम के चर्चा ना होते हैं। और जब हम लोग क्या करते हैं ताश अगर नहीं खेलेंगे तो क्या होगा किसी का चर्चा होगा, चर्चा होगा तो उसका नीच ऊंच का मतलब उसका अपमान भी तारीफ किसी का तारीफ करेंगे तो अपमान भी तो होगा, तो वो सब हम लोग नहीं करते हैं। उस हम लोग कहते हैं नुक्ता चीनी मतलब होता है उस किसी के बारे में गलत सलत बढ़िया बोलना, तो वो सब तो नहीं करते हैं ताश खेलते तो सदुपयोग करते समय का किसी का अपमान नहीं करते। ये ऐसा सोच जो है गुरु ये तीन को गुरु जी के हैं तीन को मास्टर के हैं जेकर नाम कोची है ABC।
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सब जो खेल रहा है समय को काटने के लिए, समय को बिताने के लिए ये कर रहे हैं। आगे देखिए, आज भी बहुत प्रचलित है, आज भी गांव टोला में आज भी ये चल ही रहा है, बंद नहीं हुआ है। आई होप दैट कि इन फ्यूचर बंद हो सकता है, ताकि आजकल मोबाइल में सब आ गया, ताश भी खेलते तो मोबाइल में लोग खेलते हैं। तो पहले ज़माने जो लोग हैं तब तक ये सब चीज़ चलेगा, इसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ मोबाइल ख़त्म कर दे रहा है आजकल। कहता बाघ के बतंगड़ करहों ओला हुए जुमी जाहल। जब ये बहस हो रहा था कि मास्टर ये सब खेलते हैं तो यार सब की करते हैं, तो जानते हैं बात का बतंगड़ बनाने वाला गांव घर में जमा ही जा रहा है, एक ही जगह पूरा बहस होता है। ककरो भलाई कर बात बोलवे तो नोकता चीनी, बुराई कर बात बोले तो हेले से ले। हामिन एक धायर बैठ के ना उधव कर लेना, ये बहुत अच्छा कहावत है। देखिएगा क्या कहता है, ना उधव कर लेना ना माधव कर देना। हम भी अपना पिताजी से ये बात हमेशा सुनते थे, शाम को जब पिताजी आते थे तो हमेशा बोलते थे कि ना उधो कर लेना ना माधो कर देना। और हम हिंदी में कभी सब पढ़े नहीं थे, इसका मतलब होता है क्या है। तो देखिएगा गुरु जी क्या कहते हैं, हम लोग शनिवार संडे को खेलते हैं तो किसी का अपमान नहीं करते हैं, नुकसानी नहीं करते हैं, सर शिकायत नहीं करते हैं। हम लोग का एक ही मतलब है, ना उधो का लेना ना माधो का देना। एक और कहानी है, ना नौ मन घी होगा ना राधा की नाच होगी। दो कहावत हम अपना घर में हमेशा सुनते थे पिताजी से, ना नौ मन घी होगी ना राधा का नाच होगा, और एक ना उधव का लेना ना माधव का देना। इसका मतलब क्या हुआ, ना उधव का लेना ना माधव का देना, किसी से को मतलब नहीं, अपना कमाना अपना जीवन यापन करना। और ना उधव का लेना ना माधव का लेना, ऐसा चरित्र स्टूडेंट का होना चाहिए, कौन क्या कर रहा है करने दीजिए, सीधे अपने आप को मेहनत करना है। आगे देखिए, तो कहीं के ताश खेलत रही, ये सब बोलते थे कि हम लोग को किसी से मतलब नहीं, कौन क्या कर रहा है, हम लोग को समय काट रहा है। ताश खेला खत्म हेल बादे की, ताश खेला शुरू हेल पहले। घर के कोनो समस्या रहे तो अकर चर्चा हवे है, राय विचार हवे है मगर। मतलब ताश खेलने से पहले या ताश खेलने के बाद आदमी जमा होगा तो अपना घर का चर्चा करेगा, मेरा घर ऐसा हो रहा है, मेरा घर, समझे ना मगर। लेकिन होता क्या है, खेलते समय भी कभी खेलते समय भी चर्चा अगर होता है तो जो जरा सा भी अपना घर में ध्यान भटकाता है ना, वो क्या हो जाता है, हार जाता है। पता नहीं ताश में क्या क्या होता है, बड़ा दिमाग लगा के खेलना पड़ता है। ठीक है, कहता है बावन पति कर नाच भीतर नजर आर दिल दिमाग के नजर। देखब नजर और दिल दिमाग हुए रहे एकदम ताशे में रहे, कि ठिकरी है न बासा है न चिड़िया है, एकदम ध्यान हुए रहे राखे पड़े। जे तनी सन दिमाग से मतलब हिंदे उंदे कर लें वो कोची हो जाए, माने हार जाए। तो ताशो खेले में पूरा मतलब दिल ध्यान नजर एकदम राखेल पड़े है। आगे लोग देखेंगे, ताश कर नासा दारुक नशा ले तेज रहे। हम पहले आपको बता दें कि ताश का नशा जो है दारू का भी नशा से ज़्यादा होता है। ठीक है, ताश खेलल निहार फुर्सत खोजत रहतुन, जखन मौका मिलल जे दू चार फेट ताश फेटे पारे। ताश फेटे जानते हैं खेले कि नहीं खेले, तो फेट मतलब क्या होता है, मारने वाला फेट नहीं है। ताश को ऐसे जो मिलाया जाता है बावन पति को, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेट कहते हैं। तो जो जिसको ताश का नशा लग गया है, दो आदमी रहता है तो हमारा कला संस्कृति एक तरह से ये भी है, समझे ना, मतलब दो आदमी दोपहर को खड़ा है, चार आदमी खेलने के लिए चाहिए तो घर चल जाता है, कहने रे फलना चल एक घंटा चल खेलबे, समझे ना, घर जाके बुला के ले आता है और फिर फेटा फेटी मतलब समय मनोरंजन के लिए अपना टाइम बिताते हैं। ये तरह मतलब कह दीजिए कि कला संस्कृति की तरह है, समझे ना, लेकिन ये जुआ नहीं है, मतलब समय काटने के लिए है, मनोरंजन के लिए है। आगे देखो, दारूक नशा थोड़ के समय तक रहे है मगर ताशक नशा कखनो ना छूटे। जगर ताश के नशा लग जाए, मान लीजिए आप ही लोग का ताश का नशा होगा, दो चार लड़का का खेलने का, आप लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, वहाँ लोग आप लोग देखेंगे ट्रेनों में ताश लगा देता है, तो दारू नशा तो छूटियो जाए है, थोड़ा देर रहे है जब तक वो लोग पीते तब तक, लेकिन ताश के नशा कहियो ना छूटे। आगे देखिएगा, कहता है ध्यान लागले रहा है कखन जोड़ा जोड़ी जुमता है। जो ताश खेलते हैं उसका ध्यान हमेशा लगता है, कखन जोड़ी जुमता, जोड़ी मतलब कखन वो पार्टनर से जो खेलता है वो सब पार्टनर रहता, और ठीक नहीं तो टुकुर टुकुर आस देखी के पहर देखी के ताकत रहता। अगर दो या चार आदमी जुड़ल है, मतलब एक आदमी घट रहा है तो देख रहा है कि वो आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ताश खेलना शुरू करेंगे, ऐसा नशा है।
और ये ऐसा नशा जिस दिन आपका शिक्षा से हो जाएगा, आपका सिलेबस पढ़ाई से हो जाएगा, उस दिन समझिए आपका रिजल्ट होना तय हो जाएगा। तो तीनों गुरुजी ए बी सी, तीनों गुरुजी ए बी सी मतलब ओकर नाम की भेले ए बी सी के माने, गुरुजी के माने तो रहतले कि आज बस 52 परिक नाच नचावी, मतलब भाई 52 पत्ता का जो नाच है उसी के नचावे में शनिवार और इतवार के टाइम व्यस्त करते थे। मगर 52 परिक नाच नचवे खातिर ककरो न ककरो ये गो घर के बांधा जहिया जटिला पड़ी जाहलन। कहने का मतलब है ये ताश भी खेलने के लिए क्या होता था, एक बढ़िया सा जगह होना चाहिए था, लेकिन कोई घर उर नहीं मिलता था। आज भी घर में लोग मतलब सेफ्टी जगह नहीं है, तो वही जहाँ भी है पेड़ है, थोड़ा सा छाव है, बैठने उठने जगह है, चबूतरा होता है गांव घर में, तो वहीं शुरू कर देता है। से दिन बाकी पार्टनर हिंदे हुंदे खोज के डहर धर बाहर घुरत निकलत और ढुकेत रहत, मतलब ये अगर घर जा रहा था तो घर ढुकेत रह, इधर उधर देखे रहा कि कोई आ रहा है कि ना आ रहा है, ना तो घर घुस के बुलावल जाए कि चल एक घंटा खेलवे की करें, सुत के दिन में ऐसे कर मतलब बुलाता है। तो कहियो कहियो आस पहरे ढेर देरी तब मतलब बैठले रहतला अपना पार्टनर के खोजे वास्ते ढेर देर के लिए इंतजार करते। तो इस प्रकार से तोहिन की पढ़ला समय कटवा, ताश खिला के आधा कहानी पढ़ला, आधा जी है नेक्स्ट पार्ट में पढ़वा। तब तक के लिए धन्यवाद। पहले क्या